नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आतुल तिवारी और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़। वक्त हो गया है मुंबई की कुछ खास खबरों का। शुक्रवार को दिल्ली जाएंगे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, बड़े भाई पीएम मोदी से भी करेंगे मुलाकात। सीएम बनने के बाद पीएम मोदी और ठाकरे की ये दूसरी मुलाकात होगी। इससे पहले पिछले साल जब पीएम मोदी पुणे पहुंचे थे तो उद्धव ठाकरे ने एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव भी किया था। सीए और एनआरसी पर विवाद के बीच मुंबई की कोर्ट ने गुरुवार को वोटर आईडी कार्ड को नागरिकता का सबूत माना। कोर्ट ने इस आधार पर अवैध बांग्लादेशी मुस्लिम बताए गए दो लोगों को किया बरी। गायक गुलशन कुमार हत्याकांड को लेकर सनसनीखेज खुलासा। मुंबई पुलिस को इसकी साजिश का पता था। अपनी किताब लक्ष्मी से इट नाउ में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया ने किया खुलासा। भाई खल्ला से एमआईएम विधायक वारिस पठान ने दिया विवादित बयान। कहा, अभी तो केवल शेरनिया ही बाहर निकली थी तो तुम्हारे पसीने छूट गए। तुम समझ सकते हो कि अगर हम सब एक साथ आएंगे तो क्या होगा। 15 करोड़ है लेकिन 100 करोड़ के ऊपर भारी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने खिलाफ दर्ज दो आपराधिक मुकदमे की जानकारी छिपाने के केस में गुरुवार को नागपुर की जिला अदालत में पेश हुए। अदालत ने 15,000 के पीआर बॉन्ड पर दी जमानत। सीए एमपीआर और एनआरसी को लेकर 23 तारीख को मुंबई के आजाद मैदान में जमीयत उलाम ए हिंद द्वारा बुलाई गई सबसे बड़ी मीटिंग। देश भर के मुसलमान होंगे इसमें मीटिंग में शामिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर रैली करने की इजाजत न देने का आरोप। 24 फरवरी को शुरू होने जा रहे बजट सत्र से ठीक पहले कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाने वाले शिवसेना के दो बड़े नेताओं, शिवसेना सांसद अरविंद सावंत और विधायक अरविंद बायकर ने लाभ के पद के आरोप से बचने के लिए दिया इस्तीफा। दोनों के इस्तीफे पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। चंद्रपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा। सड़क किनारे खड़े ट्रक को पीछे से आ रही स्कॉर्पियो कार ने मारी टक्कर। 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि 7 अन्य लोग घायल हो गए और 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। भिवंडी में डकैती के मामले में 10 साल की सजा काट रहा एक शातिर अपराधी परोल पर मिली छुट्टी के बाद हुआ फरार। आरोपी के खिलाफ नवी मुंबई और डोंबिवली में विभिन्न मामले हैं दर्ज। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इसी तरह के देश और दुनिया के खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।